हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने जो मैंने क्वेश्चन 4 तक आपको करवाया था उसको आपने रिवाइज किया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। सो क्वेश्चन 5 इज अ क्यूब ऑफ एज 100 सेंटीमीटर हैज़ द सेम वॉल्यूम एज अ क्यूब ऑफ एज 1 मीटर। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। अ क्यूब ऑफ एज 100 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी 1 एज जो है वो 100 सेंटीमीटर की है। हैज़ द सेम वॉल्यूम एज अ क्यूब ऑफ एज 1 मीटर। दूसरा जो क्यूब है जिसकी एज 1 मीटर है उसके वॉल्यूम के बराबर है। यानी दो क्यूब्स हैं, एक की एज है 100 सेंटीमीटर, एक की एज है 1 मीटर, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, दोनों क्यूब्स की हमें एक एक एज का मेजरमेंट बताया है, दोनों वॉल्यूम सेम है ये बताया है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर मेक 1 क्यूबिक मीटर, कि 1 क्यूबिक मीटर जो वॉल्यूम है वो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर मिलाने से सेम होगा। इट मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है ना। तो 1 मीटर क्यूब है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये तो वॉल्यूम है उस क्यूब का जिसकी एज 1 मीटर की है, और ये वॉल्यूम होगा उस क्यूब का जिसकी 1 एज 100 सेंटीमीटर की है। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100 मीन्स 1। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। बस इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में जो क्यूब है जिसका 1 एज 100 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिक्स हैव बीन पाइल्ड नियर अ कंस्ट्रक्शन साइट। पाइल इज 5 डेकामीटर वाइड, 9 डेकामीटर लॉन्ग एंड 3 डेकामीटर हाई। What is the volume of the brick, pile of bricks? एक construction site पर bricks को एक के ऊपर एक pile करके रखा है। इसका measurement हमें बताया है 5 decameter, 9 decameter and 3 decameter। What is the volume? इसकी पूरे की volume कितनी है ये हमें find out करनी है। तो जो measurement हमें दिया है उसके according हम L into B into H का formula लगा कर उसको find out करेंगे। So length of pile is 9 dm, breadth of pile 5 dm and height of pile is 3 dm. Now volume is L into B into H is equal to 9 dm into 5 dm into 3 dm is equal to 135 dm cube. Okay. Question number 7. Which has the greater volume? Box that measures 18 centimeter by 3 centimeter by 2 centimeter or one that measures 6 centimeter by 6 centimeter by 7 centimeter. दो बॉक्स हमें दिए हैं, एक का मेजरमेंट है 18 सेंटीमीटर by 3 सेंटीमीटर by 2 सेंटीमीटर, और जो दूसरा बॉक्स है उसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर by 6 सेंटीमीटर by 7 सेंटीमीटर। तो ये जो by लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, तो जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है उसमें भी क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर ऑलरेडी L इंटू बी इंटू एच हमें लिखकर दिया हुआ है। ये किसी भी बॉक्स की डायमेंशन बताने का एक तरीका भी होता है कि उसके तीनों साइड्स को एक साथ कैसे बताया जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, बॉक्स A इज इक्वल टू
लेंथ 18 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम इज एल प्लस सॉरी एल इंटू बी इंटू आई. सो 18 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ बॉक्स बी, L is 6 centimeter, B is 6 centimeter and H is 7 centimeter. Therefore, V is equal to L into B into H. So, 6 centimeter into 6 centimeter into 7 centimeter is equal to 252 centimeter cube. Okay? So the answer is box with measures. कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा हुआ? सेकेंड बॉक्स का जो बॉक्स बी है. सो आंसर इज बॉक्स विद मेजर्स 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर हैज more volume. Okay, now question number 8. Find the volume of rectangular solids whose dimensions are as follows. Rectangular solids हैं जिनकी ये dimensions हैं, उनकी हमें volume find out करना है. So question number 8, A part, dimensions are L is 15 meter, B is 12 meter and height is 80 centimeter or 0.8 meter. Okay, now volume is L into B into H. So 15 meter into 12 meter into 0.8 meter is equal to 144 meter cube. Now B part, length is 10 1 by 2 meter is equal to 10.5 meter, B is 4.2 meter and height is 70 centimeter is equal to 0.7 meter. Now volume is L into B into H, 10.5 meter into 4.2 meter into 0.7 meter. सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.87 मीटर क्यूब. ओके, सो बस फॉर्मूला हमें याद रखना है और अगर जो हमें मेजरमेंट्स हैं वो अलग अलग यूनिट्स में हैं तो उनको हमें सेम यूनिट में ले आना है. ये किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर था एक फ्रैक्शन में दिया है, दूसरा प्रॉपर दिया था, तीसरा सेंटीमीटर में दिया था, तो सबको हम एक से यूनिट में ले आए, उसके बाद हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया. तो जितने भी क्वेश्चंस क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम फाइंड आउट करने के होंगे उनमें सब में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा. ओके, तो आज यहीं तक करेंगे हम लोग. आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इन सम्स की, अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.